नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले आप सभी लोगों का अपने इस चैनल के एक और ड्रग पिक्चर के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने ऊपर थंबनेल में देखा, दिस वीडियो इज अबाउट द एब्रोटेनम। जी हां दोस्तों, एब्रोटेनम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट माल नरिशमेंट की, मरासमस की, माल न्यूट्रिशन की, बच्चों की, खासकर छोटे बच्चों के अंदर जब ऐसा माल न्यूट्रिशन का कंडीशन हम देखते हैं तो एब्रोटेनम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए इसके ड्रग पिक्चर को डिटेल में देखते हैं और देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन के अलावा क्या कुछ और भी कुछ इंपॉर्टेंट है इसके ड्रग पिक्चर के अंदर, और अगर है तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं हर बार की तरह, जो हम अपने ड्रग पिक्चरों को स्टडी करने के लिए। तो अगला जो है, हम दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं और डिटेल में इसके ड्रग पिक्चर को जल्दी से जल्दी कम से कम समय में निपटाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मुझे भी देख पा रहे हैं, मैं पीछे स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं। सो हियर इज द टॉपिक, एब्रोटेनम ड्रग पिक्चर। अब क्या करती है ये, इसका देखो, अब मैं हर बार बताता हूं कि मेडिसिन का थीम पकड़ लो। अगर आपने प्रॉपरली एक मेडिसिन के थीम को पकड़ लिया है, हर मेडिसिन का एक अलग थीम होता है। जैसे इससे पहले मैंने ड्रग पिक्चर डाला था अमोनियम कार्ब का, तो अमोनियम कार्ब का सिर्फ तीन चीजों के बेस पे उसका पूरा थीम था। पहली था अंडर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, जो दूसरा पॉइंट था वो था कार्डियक वीकनेस विद कार्डियक अस्थमा, और तीसरा स्कॉर्बुटिक कंडीशन, और चौथा था ब्लड पॉइजनिंग। ये चार चीजों के बेस के ऊपर मैंने आपको पूरी 40 मिनट में अमोनियम कार्ब को प्रॉपरली एक्सप्लेन करा था। और अगर आप उस ड्रग पिक्चर को एक मरतबा देख लोगे शुरू से आखिरी तक, अपने मरते दम तक अमोनियम कार्ब नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे इसको थीम को पकड़ना है, और इसका जो थीम है दैट इज द माल न्यूट्रिशन। ये कहाँ काम करती है वो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका जो मेन साइट ऑफ एक्शन होता है एब्रोटेनम का, वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्या करती है, ये डाइजेशन को इम्पेयर्ड कर देती है। ये यहीं से काम चालू होगा, और बड़ा सीधा सीधा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र के ऊपर हमला करती है। पाचन तंत्र पे हमला करके ये इम्पेयर्ड डाइजेशन, बच्चे का एक बच्चों की मेडिसिन है ना, एक बच्चे का ये डाइजेशन को इस तरह से इम्पेयर्ड करती है कि उस बच्चे के अंदर जो एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है, व्हाट इज एसिमिलेशन, कि जब भी खाना पचता है लिक्विड फॉर्म के अंदर, पचना एक अलग चीज होती है, खाने को जब विघटित किया जाता है, जैसे हमारा खाना है, हमने खाना खाया, वो लिक्विड होके हमारे पेट में गया, पेट के अंदर उसमें एसिड वगैरह कुछ इंट्रेंसिक फैक्टर मिलते हैं, वो आगे आता है डियोडिनम में। डियोडिनम में उसके अंदर लीवर से आने वाले, पेनक्रियास से, गॉल ब्लैडर से आने वाले जो पाचक तत्व वो मिलते हैं। इन सबका काम क्या है, इन सबका काम है कि उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देना, इसको तोड़ते जाना जब तक ये बेसिक फॉर्म में खाना नहीं आ जाता, वो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और दोस्तों ये डाइजेशन नहीं है, ये तो सिर्फ डाइजेशन है। डाइजेशन के बाद सेकंड प्रोसेस होती है असिमिलेशन, कि जब ये, अब इतना माल मसाला मिलाया हमने, स्टमक में अलग सामान मिलाया, जब वो डियोडिनम में आया तो डियोडिनम के एम्पुल ऑफ वेटर से जो वहां से ऊपर से डक्ट आती है, कई दो तीन, पेनक्रियास से एक डक्ट आई, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आई, लीवर से बाइल डक्ट आई, ये सब खुल के इसमें अपने पाचक तत्व मिलाती है। तो वहां तक जो प्रोसेस कहलाता है उसको कहते हैं डाइजेशन। और डाइजेशन के थ्रू क्या होता है, डाइजेशन के थ्रू कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है वो बेसिक फॉर्म के फूड में तब्दील हो जाता है। जो कौन सा फॉर्म है बेसिक फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अब अगली जो प्रोसेस होती है वो इंटेस्टाइन के अगले हिस्से में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन, कि ये कार्बोहाइड्रेट, ये फैट और ये प्रोटीन को बॉडी एसिमिलेट करती है। एसिमिलेट मतलब एब्जॉर्ब करना, उठाना वहां से, और उठा के उसको वापरना, यूज करना। तो भाई कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जाए एनर्जी प्रोडक्शन करे, फैट जाए भैया वेट गेन कराए, प्रोटीन जाए मसल बिल्ड कराए, यही काम है ना, इसको कहते हैं एसिमिलेशन। और एब्रोटेनम हमला करती है, एब्रोटेनम का मेन शिकार होता है एक बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हर चीज खराब करती है, जो हमने शुरू का डाइजेशन देखा था, ये डाइजेस्टिव प्रोसेस को ही डिस्टर्ब कर देती है, प्लस ये एसिमिलेशन की प्रोसेस को भी डिस्टर्ब करती है। ना ये डाइजेशन होने देगी, खाने को बारीक कणों में टूटने देगी, जो थोड़ा बहुत टूटा उसको भी ये एसिमिलेट नहीं करने देगी, चीजें ऐसी की ऐसी पास ऑन हो जाती है। और यही दोनों कारण से बच्चे का जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो न्यूट्रिशन इम्पेयर्ड हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो माल नरिशमेंट का, मरासमस जैसी कंडीशन का शिकार हो जाए। और ये एंटायर थीम है, ये पूरा थीम है एब्रोटेनम, ये थीम समझ लो, पूरी एब्रोटेनम समझ में आ जाएगी। चलिए आगे चल। इट प्रोड्यूसेस मरासमस बाय इट्स एक्शन ऑन द डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड बाय इट्स इफेक्ट अपॉन द मेटाबॉलिज्म। तो ये डाइजेस्टिव ऑर्गन पे हमला करती है और मेटाबॉलिज्म पे हमला करती है। डाइजेस्टिव ऑर्गन पे क्या करती है, डाइजेशन, डिस्टर्ब्ड डाइजेशन पैदा करती है, डिफेक्टिव एसिमिलेशन करती है, और इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, एंड आर थ्री पैथोलॉजी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्रोटेनम कंडीशन। ये मैंने आपको बता दिया कि डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है, डाइजेशन को डिस्टर्ब करके एसिमिलेशन को भी खराब करती है,
कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं करती बॉडी से कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, इसी के कारण इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन होता है। और ये जो तीन पैथोलॉजी है रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। बट यहाँ पे एक और चीज है, मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट करती है। वो क्या करती है, वो ऊपर के पॉइंट में दिखेगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसेस मरास्मस बाय इट्स एक्शन ऑन द डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो ये लाइन तो हम समझ गए कि मरास्मस हुआ क्यों, कि पेशेंट बच्चा जो है मरास्मस कुपोषण का शिकार हुआ, कुपोषित, वही मरास्मस होता है। मरास्मस मतलब कुपोषण। क्यों हुआ, एक्शन काय पे कर रही है, डाइजेस्टिव ऑर्गन पे। ये हमने समझ लिया क्या एक्शन, बट इट्स इफेक्ट अपॉन द मेटाबॉलिज्म आल्सो। और मेटाबॉलिज्म पे क्या कर रही है, हाइपर एक्टिव मेटाबॉलिज्म, इतना तेज मेटाबॉलिज्म कि शरीर को खाना पचाने का तक का समय नहीं मिलता, इतना तेजी से इसका मेटाबॉलिज्म काम करता है। आते इतनी तेजी से काम करती है कि आधा पचा हुआ खाना मतलब वो एब्जॉर्ब भी नहीं होने देती और लैट्रिन के थ्रू निकाल देती है। वो है इसके अंदर आगे की नोटेली एंट्रिक स्टूल, ठीक है। तो बाय इट्स एक्शन अपॉन द मेटाबॉलिज्म, तो पहला डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म के ऊपर ये जो एक्शन करती है इसके कारण मरास्मस प्रोड्यूस करती है। और मेटाबॉलिज्म पे क्या करती है, हाइपर एक्टिव या हाइपर एक्टिविटी ऑफ द मेटाबॉलिज्म। द मेटाबॉलिज्म इज सो फास्ट दैट ही लॉसेस फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है आम जनता की, ये सवाल लाइफ पर सबसे ज्यादा करा जाता है। आम एज अ डॉक्टर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपसे आपका पेशेंट हजार बार आके करेगा, दुबला पतला टीटली सा आदमी आएगा, टाटी है बिल्कुल, और क्या बोलेगा, सर मैं बहुत सारा खाना खाता हूँ, मेरे को शरीर को खाना नहीं लगता। ये क्यों होता है, ये होता है हाइपर एक्टिव मेटाबॉलिज्म के कारण, कि मेटाबॉलिज्म उसकी खाई हुई एक एक चीज को बर्न कर डालता है, जला डालता है, इसके शरीर तक कुछ पहुंचता ही नहीं। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, मेटाबॉलिज्म इज सो फास्ट दैट ही लॉसेस फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। खूब सारा खाना खाता है फिर भी दुबला का दुबला रखा है, लाइक नेट्रामियूर एंड आयोडा। एब्रोटिनम इज ऑल्सो द विक्टिम ऑफ द इंटेंसली रैपिड मेटाबॉलिज्म विद इमेसिएशन विद गुड डाइट। मतलब गुड डाइट खाता है बट क्योंकि रैपिड मेटाबॉलिज्म है इसलिए मतलब दुबला पतला होता जा रहा है। मैं जरा यहाँ से कैमरा हटा दूं, तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। मरास्मस इन द चिल्ड्रन इज द फर्स्ट कीनोट ऑफ द एब्रोटेनम। ये अब आप समझ चुके हो, क्योंकि इसका एक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, जहाँ डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है, असिमिलेशन को डिस्टर्ब करता है, और इसके कारण इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं बच्चे को, बच्चा दुबला हो जाता है। तो फर्स्ट कीनोट क्या होगा यहाँ पे, मरास्मस। ये यहाँ पे पहले दो पॉइंट में हमने इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात की, ये डाइजेशन पे काम करता है, क्या काम करता है, ये काम करता है, और ये मेटाबॉलिज्म पे क्या काम करता है, हाइपर एक्टिव बनाता है मेटाबॉलिज्म। अब इसका पहला कीनोट हो जाएगा, मरास्मस इन द चिल्ड्रन इज द फर्स्ट कीनोट ऑफ द एब्रोटेनम विथ इमेसिएशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। जैसे कि लाइकोपोडियम के अंदर इमेसिएशन ऑफ अपर बॉडी होता है, ठीक है, नेप्ट्रम्यूर के अंदर भी नैरो चेस्टेड पेशेंट बताया है, फॉस्फोरस के अंदर भी नैरो चेस्टेड, मतलब उसके अंदर अपर बॉडी का इमेसिएशन है, बट इन एब्रोटेनम देर इज द इमेसिएशन ऑफ द लोअर बॉडी, इमेसिएशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है, विथ रैपिड डाइजेशन, बहुत रैपिड, इतना तेज डाइजेशन है कि मॉर्बिड एंड रेफेनस एपेटाइट, मतलब इसके पेशेंट को इतना भूख लगता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है, चीजें जल्दी से बर्न हो जाती हैं। ये अभी खाया, एक घंटे में सब फूक गया बॉडी ने, पूरा का पूरा खाना फूक डाला शरीर ने। तो इसकी वजह से क्या होता है, मॉर्बिड एंड रेवेनस एपेटाइट, इसको मॉर्बिड मतलब बहुत ज्यादा भूख लगेगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट है, इतनी भूख लगेगी बार बार, ठीक है। तो मॉर्बिड एंड रेवेनस एपेटाइट येट लूजिंग फैट, मतलब खाता दिन में हजार बार है फिर भी दुबला का दुबला, फैट अभी भी लूज कर रहा है विद द इमेसिएशन, ठीक है। और ये जो बच्चा होगा, जो हमारा मरास्मस का बच्चा होगा एब्रोटेनम का, मेंटली ही इज क्रॉस एंड इरिटेबल। मेंटली कैसा होगा, क्रॉस होगा, इरिटेबल, चिड़चिड़ा होगा, जो स्किन होगी फ्लैबी होगी, लूज होगी, रिंकल्ड होगी। और एब्रोटेनम चाइल्ड इज ओल्ड लुकिंग, ये बच्चा जो है ना वो ओल्ड लुकिंग होगा। तो ये बेसिकली इसका पहला की नोट है कि मरास्मस लोअर लिम, पांव एकदम टांटले, पतले पतले पैर होंगे, लोअर इमेसिएशन, लोअर लिम का इमेसिएशन होगा, डाइजेशन बहुत रैपिड होगा, भूख बहुत ज्यादा लगेगी, मॉर्बिड एपेटाइट, मतलब इतना भूख कि आप थक जाओगे इसको खिला खिला के, फिर भी लूज कर रहा है अपना फैट, फिर भी दुबला है, इमेसिएटेड है, मेंटली क्रॉस है, इरिटेबल है, बुड्ढो जैसा दिखता है क्योंकि स्किन फ्लेबी है, लूज है, रिंकल्ड है, ये है इसके सिम्टम, ठीक है। अगली स्लाइड पे आते हैं, मैं जरा कैमरा वापस ले आऊं। अब यहाँ पे आ रहा है लियंट्रिक स्टूल या लियंट्रिका। व्हाट इज लियंट्रिक स्टूल, कि जब भी स्टूल के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल निकलेंगे तो उसको हम लियंट्रिक स्टूल बोलते। पेशेंट क्या आपसे बोलेगा जब आपके पास क्लिनिक पे आएगा, सर अधपचा खाना निकलता है, दिखता है, जब वॉश करते हैं तो हाथ में लगता है, ऐसा लगता है कि अधपचा खाना निकल रहा है, वेसल पे कमोड में हमको खाना दिख, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लियंट्रिक स्टूल या लियंट्रिका। व्हाट इज दिस, देयर आर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इन द स्टूल एंड इट इज नोन एज द लियंट्रिक स्टूल। इसको कहते हैं लियंट्रिक स्टूल, क्यों,
क्योंकि भाई रैपिड डाइजेशन इतना रैपिड है कि उसका शरीर उसको समय नहीं मिल रहा खाना पचे, है ना। देखो एक टाइम लगता है, अगर मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा तो भी दिक्कत है। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, खाना खाया, स्टमक में गया, जूसेस मिले, आगे इंटेस्टाइन में गया, वहां पे और जूसेस मिले, पेनक्रियास से आने वाले, बॉल ब्लैडर से, लीवर से आने वाले, फिर ये खाना पचते 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 धीरे धीरे आगे जाता है तो ये सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। इसके अंदर से अच्छे अच्छा आइटम जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, अल्टीमेटली स्टूल बनता है और फिर पेस्टी स्टूल आता है। नॉर्मल स्टूल कैसा होता है, जिसके अंदर कोई भी अपचा खाना ना हो, जिसके अंदर कोई भी लियंट्रिक स्टूल जैसा कोई कैरेक्टर ना हो, वो एकदम पेस्ट जैसा होता है, आपको कुछ दिखता नहीं, दैट इज द हेल्दी स्टूल, नॉर्मल स्टूल। पर इसके इसके मेटाबॉलिज्म में ही त्रुटि है ना, कि ये इतना तेजी से मेटाबॉलिज्म होता है कि खाना, अच्छा खाना ही शरीर से छूट जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है इसका, इतना तेजी से इंटेस्टाइनल मूवमेंट इतना तेज होता है कि वो अधपचा खाना आगे निकलता जाता है, निकलता जाता है, अल्टीमेटली स्टूल में भी दिखता है। तो ये वही पॉइंट है कि देयर इज द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इन द स्टूल एंड इट इज नोन एज द लियंट्रिक स्टूल। डाइजेशन इज सो रैपिड एंड इम्पेयर्ड इन सच अ वे दैट द फूड पासेस अनडाइजेस्टेड, यही बात मैं बता रहा था। इतना बुरा डाइजेशन है, इतना रैपिड है, फूड अनडाइजेस्टेड ही निकल जाता है। द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म इज सो फास्ट एंड रैपिड दैट हिज सिस्टम हैज नो टाइम फॉर द प्रॉपर डाइजेशन एंड असिमुलेशन ऑफ फूड। मैं यही तो बोल रहा हूँ, इतना रैपिड होता है मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए और असिमुलेट हो जाए। ये नीचे कोष्टक में जो मैंने पूरी, इट इज कॉमन पैथोलॉजी विथ ऑलमोस्ट ऑल द पीपल हु आर लीन एंड थिन एंड इमेसिएटेड एंड वॉन्ट टू वेट गेन, ये उन सभी लोगों के साथ कहीं ना कहीं भले छोटे पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे ना हो, बट रेपिडिटी ऑफ द मेटाबॉलिज्म इन लोगों के साथ भी होता है जो लोग हमेशा दुबले रहते हैं और वेट गेन करना चाहते। तो ये क्लिनिकल पॉइंट था, इसलिए मैंने यहाँ डाला कि आप लोगों को याद रहे। अब आते हैं, मैं कैमरा अलग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे कुछ छुप रहा है। पांचवा पॉइंट, एक्सुडेटिव प्लूरेसी, ट्यूबरकुलर। देखिए एब्रोटेनम का ट्यूबरकुलोसिस से बहुत गहरा संबंध है कि जब भी हम बात करते हैं वीकनेस की, हम जब बात करते हैं इमेसिएशन की, हम बात करते हैं ऐसे इमेसिएशन की जिसको माल नरिशमेंट के कोटे में रखा जा रहा है और माल नरिशमेंट के नाम पे हमको प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन PSM में सिर्फ दो ही बीमारी बताई गई थी, एक मरास्मस, दूसरा क्वाशियारकर। क्या आपको क्वाशियारकर शब्द याद आ रहा होगा, वो भी एक प्रकार का माल न्यूट्री, बट वो बहुत रेयर मिलता है इंडिया के अंदर। मोस्टली जिस माल नरिशमेंट को हम देखते हैं वो मरास्मस है, और मरास्मस का टीवी से बहुत गहरा लेना देना, क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाओ कि ऐसा बच्चा जो दुबला पतला है, जिसका मेटाबॉलिज्म इतना रैपिडली काम कर रहा है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इस कदर बीमार है कि वो चीजों को ना डाइजेस्ट कर पाता है, ना सिमुलेट कर पाता है, माल नरिश्ड रह जाता है, इतना फास्ट मेटाबॉलिज्म है, तो ऐसे पेशेंट को टीबी होगा या फिर एक हट्टे कट्टे नॉर्मल बच्चे को टीबी होगा, कॉमन सेंस लगा। और यही कारण है, कॉमन सेंस है, इसी को टीबी होगा। इसके दुबलेपन के पीछे कहीं ना कहीं एब्रोटिनम के अंदर ट्यूबरकुलर हेरिटेज, ट्यूबरकुलर गुण चले आ रहे हैं, और यहाँ पे वही बात हो रही है, एक्सुडेटिव प्लूरेसी, ट्यूबरकुलर एक्सुडेटिव प्लूरेसी। व्हाट इज एक्सुडेटिव प्लूरेसी? एक्सुडेटिव प्लूरेसी मतलब प्लूरल मेम्ब्रेन हमारी लंग्स के ऊपर रहती है, तो ये बेसिकली प्लूरेसी आप समझते हो, उसमें जब पानी भर जाता है, जब एक्सुडेटिव प्लूरेसी का ट्यूबरकुलर एक्सुडेटिव प्लूरेसी मतलब लंग्स का ट्यूबरकुलोसिस हुआ, उसके अंदर क्या हुआ कि प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एक्सुडेट भर गया, ट्यूबरकुलर एक्सुडेट भर गया, उसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलर प्लूरेसी। एंड एक्सुडेटिव कंडीशन, अदर एक्सुडेटिव कंडीशन स्पेशली ट्यूबरकुलर एक्सुडेटिव कंडीशन के ऊपर एब्रोटिनम बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। एंड इट हैज क्योर्ड द प्लूरेसी आफ्टर द फेलियर ऑफ द ब्राइनिया, ठीक है, खासकर ऐसी प्लूरेसी जो ट्यूबरकुलर लंग डिसऑर्डर के बाद हुई हो, और जो एक्सुडेटिव, जो एक्सुडेट लंग्स के अंदर भरा है वो ट्यूबरकुलर एक्सुडेट है। तो इस तरह के ट्यूबरकुलर एक्सुडेटिव प्लूरेसी के अंदर इसने ब्राइनिया के फेल होने के बाद पेशेंट को प्लूरेसी से क्योर करके दिया हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और ये और अदर एक्सुडेटिव कंडीशन जो कि ट्यूबरकुलर होती है, जैसे ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस, ये उसकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन बन जाती है, खासकर वीक माल नरिश्ड मरास्मिक चाइल्ड के अंदर जब ये दोनों कंडीशन होगी, या तो एक्सुडेटिव प्लूरेसी या ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, और मेरे को कैमरा चालू करने दीजिए बस। रेमेडी ऑफ मेटास्टेसिस, बेंजोइक एसिड क्यों? अगर आपने बेंजोइक एसिड का ड्रग पिक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, उसके अंदर मेटास्टेसिस के फिनोमिना है। व्हाट इज मेटास्टेसिस? ये वो कैंसर वाला मेटास्टेसिस नहीं है, ये कौन सा मेटास्टेसिस है? मेटास्टेसिस ये होम्योपैथिक मेटास्टेसिस है, मतलब अल्टरनेटिंग सिम्टम।
जब शरीर के अंदर एक सिम्टम गायब होता है और दूसरा अपियर हो जाता है, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द मेटास्टेसिस, ठीक है। और ये जो रेमेडी होती है, ये रेमेडी ऑफ मेटास्टेसिस है, और इसके अलावा सिर्फ बेंजोइक एसिड ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर इतने सारे मेटास्टेसिस आ रहे हैं, ठीक है, कि उसके अंदर जो रूमेटिज्म है वो मेटास्टेसिस रूमेटिज्म गायब होके वो टंग के ऊपर भी एज अ मेटास्टेसिस जाता है, वो ट्रॉट में भी जाता है, वो हार्ट पे भी जाता है, तो ये वही बात होती है। फुल ऑफ अल्टरनेटिंग कंडीशन विच मेटास्टेसाइज इनटू वन अनादर, मतलब अल्टरनेटिंग सिम्टम, एक सिम्टम गायब होगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा गायब होगा तो पहला वापस आ जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट, रूमेटिज्म ऑफ जॉइंट अल्टरनेट रूमेटिक अफेक्शन ऑफ द हार्ट, मतलब जो जॉइंट का रूमेटिज्म होता है, एक चीज मैं बता दूं, एब्रोटिनम रूमेटिज्म खासकर जो मरास्मस के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो माल नरिश्ड हैं, उनके अंदर रूमेटिज्म की मेन मेडिसिन एब्रोटिनम है, हमेशा याद रख। तो रूमेटिज्म ऑफ जॉइंट, जॉइंट का रूमेटिज्म गायब हुआ और रूमेटिज्म ऑफ हार्ट सामने आ गया, अदर मेडिसिन बेंजोइक एसिड, सेम चीज बेंजोइक एसिड के अंदर लिखी हुई, ठीक है, बिल्कुल सेम पैमाने में, सेम मैग्नीट्यूड, कि जॉइंट को छोड़ा रूमेटिज्म ने, जॉइंट छोड़ा, जॉइंट जो हो गए वो रिलीव हो गए, जॉइंट से पेन खत्म हो गया, बट हार्ट के सिम्टम्स आने लग गए, पल्पिटेशन आने लग गया, एंग्जाइटी होने लग गई, प्रीकॉर्डियल पेन होने लग गया, तो ये क्या हुआ, रूमेटिज्म ऑफ जॉइंट ने जॉइंट को छोड़ा और अल्टरनेट कर रहा है विद द रूमेटिज्म रूमेटिक अफेक्शन ऑफ हार्ट। दूसरा एग्जांपल, सप्रेस्ड रूमेटिज्म रिजल्ट इन द एपिस्टैक्सिस एंड ब्लडी यूरिन, कि रूमेटिज्म सप्रेस हुआ, ये दूसरा एग्जांपल है, पहला रूमेटिज्म सप्रेस होके कहां जा रहा है, हार्ट पे, दूसरा रूमेटिज्म सप्रेस होके कहां जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ एपिस्टैक्सिस, नाक से ब्लीडिंग या यूरिन से ब्लीडिंग, कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगेगी, खासकर एपिस्टैक्सिस की बात हो रही है, ठीक है, नाक से ब्लीडिंग होना, अब रूमेटिज्म सप्रेस होने के बाद। तीसरा पॉइंट, सडन चेक्ड डायरिया फॉलोड बाय द रूमेटिज्म, दस्त लग रहे हैं, पतले दस्त लगते ही इनको दस्त, एब्रोटिनम के पेशेंट को ली एंट्रिक स्टूल होता है, पतला स्टूल जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, किसी ने इसको चेक कर दिया गलत दवा देके, तो इसको डायरिया चेक होगा तो इसको रूमेटिज्म की प्रॉब्लम आ जाएगी। पांचवा, सडन चेक्ड रूमेटिज्म इन द जॉइंट, ये जॉइंट है ना, फॉलोड बाय द वायलेंट कार्डियक सिम्टम, तो रूमेटिज्म इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एब्रोटिनम, यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ कि रूमेटिज्म रूमेटिक अफेक्शन स्पेशली इन द वीकली मरास्मिक माल नरिश्ड चाइल्ड के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चार एग्जाम्पल के अलावा भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमको दिखते हैं इसके अंदर अल्टरनेटिंग सिम्टम के, कि जो पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन, जो मम्स होता है, मम्स के सप्रेस होने पे मैस्टाइटिस हो जाए, ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन, या मेल्स के अंदर ऑर्काइटिस हो जाए, मतलब टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन, कि मम्स था, मम्स सप्रेस हुआ और यहाँ से गायब होके टेस्टिस पे चला गया, या महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट में चला गया, मैस्टाइटिस कर दिया। अदर मेडिसिन पल्सेटिलाइन कार्बोवेज, और यहाँ पे लिख रहा है आफ्टर पल्सेटिला कार्बोवेज, क्योंकि इसकी मेन मेडिसिन है पल्सेटिला और कार्बोवेज, ये जो सप्रेशन हो रहा है कि मम्स यहाँ से गायब होके मेस्टाइटिस या ऑर्काइटिस हो रहा है, तो जब ये दोनों मेडिसिन फेल हो जाए तब नंबर एब्रोटिनम का लगता है। चेक्ड डायरिया फॉलोड बाय द एक्यूट रूमेटिज्म या ब्लीडिंग, ये मैंने ऊपर भी बताया कि जो चेक्ड डायरिया है उससे या तो ब्लीडिंग होने लगेगी कहीं पे, मैं कैमरा गायब कर देता हूँ, या फिर इसको रूमेटिक सिम्टम आने लगेंगे, और इल इफेक्ट ऑफ द सप्रेस्ड कंडीशन इन द गाउटी सब्जेक्ट, क्योंकि अब यहाँ से हम इतना समझ चुके हैं कि ये गाउटी सब्जेक्ट तो है, इतना तो हमको समझ में आ गया, क्योंकि बेंजोइक एसिड में सेम चीज, रूमेटिज्म सप्रेस हो रहा था जॉइंट से और हार्ट के अंदर सिम्टम आ रहे थे रूमेटिक हार्ट डिजीज के, तो वो गाउटी थी, तो ये जो रूमेटिक और गाउटी मेडिसिन है एब्रोटिन, और खासकर बच्चों के अंदर, किन बच्चों के अंदर, जो माल नरिश्ड मरास्मस के जो बच्चे होते हैं, ये छोटे बच्चे होते हैं जिनके अंदर माल न्यूट्रिशन चल रहा है, उनके अंदर जब रूमेटिज्म और गाउट होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन बन जाती है, और वही इसका सातवां की नोट है, इन्फ्लामेटरी गाउटी रूमेटिज्म, इन्फ्लामेटरी गाउटी रूमेटिज्म, गाउट इन्वॉल्विंग द रिस्ट एंड एंकल जॉइंट विथ पेन एंड स्वेलिंग, ये बहुत फ्रिक्वेंटली इन बच्चों के अंदर हम देख, और ये आपको खासकर किड्स के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर, जो 10 साल 8 साल 9 साल 12 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर ये आपको बच्चों के अंदर रूमेटिक गाउट की सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में बैकअप में रखना चाहिए। कहाँ होता है इनको, गाउट इन्वॉल्व द रिस्ट, इनका रिस्ट और एंकल जॉइंट के अंदर पेन और स्वेलिंग होती है, रूमेटिज्म एंड गाउट इन द माल नरिश्ड इमेसिएटेड एंड मरास्मिक सब्जेक्ट में, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था छोटा सा ड्रग पिक्चर एब्रोटिनम का, और एब्रोटिनम के अंदर बस इतना ही है, इतनी ही बातें हैं, ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ, और उम्मीद करता हूँ इसको अगर आपने इन सात पॉइंटों को प्रॉपरली देखा है तो आप एब्रोटिनम के थीम को पकड़ चुके हैं, और जब ये आपने थीम पकड़ लिया
अब आप किसी भी मटेरिया मेडिका से एब्रोटेनम का ड्रग पिक्चर पढ़ेंगे तो आप उसको एक एक लाइन को अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी लाइन किस कारण से लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल करके वीडियो देखने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले वीडियो और इस हफ्ते में होने वाले 3 लाइव स्ट्रीम सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।